लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम कमल मल्होत्रा है, गोदरेज का माल बेचता हूँ। माल खरा दाम खोटा, मशहूर हेड आए। पल भर में सफेद से काला एक बार लगाइए, साल भर के लिए भूल जाइए। एक सवाल बताइए, मेरी उम्र क्या है? बताइए बताइए, मत शर्माइए। 25 साल। मेरी उम्र 25 साल? 30 साल। ये भी गलत। 32 साल से ज्यादा आपकी उम्र हो ही नहीं सकती। खा गए ना धोखा। मेरी उम्र है 50 साल की, पर मैं लगता हूँ 25 साल का। ये कमाल है इस गोदरेज हेड आए का, जो मैं अपने बालों में लगाया करता हूँ। आपके बालों में सफेदी की चमक देखिए, आपकी उम्र झलक रही है। एक बार इसे लगा लीजिए और आप भी 25 बरस के ना हो जाए तो मेरा नाम कमल मल्होत्रा नहीं। बताइए कितनी दर्जनें बोतलें दूं? अशोक सक्सेना, अशोक सक्सेना सर। कितना हुआ? 4 सर। गुड, थैंक यू सर। अनिल मेहरा? यस सर। कितना? 2 ऑर्डर सर। कमीशन कैंसिल? ओके सर। कमल मल्होत्रा, कमल मल्होत्रा। मंत्री महोदय,
जिंदाबाद मंत्री महोदय जिंदाबाद मंत्री महोदय जिंदाबाद मंत्री महोदय जिंदाबाद कमल तू फिर काम छोड़कर यहाँ खड़ा है सुपरवाइजर साहब डेंजर लाइट दिखा रहे हैं वो तो मामा है तेरा वो ना कब का नौकरी से तड़ी पार कर दे अरे छोड़ यार ना मैं मामा में इंटरेस्टेड हूँ ना नौकरी में वो देख बेटे इस फंक्शन में घुसने की कोशिश मत करना इतने जूते पड़ेंगे कि सर पे एक बाल भी नहीं रहेगा घुस के बताऊं तुझे लगी शर्त लग गई 20 रुपए 50 आखिरी बोली 30 डन डन आइए आइए सर वेलकम सर यार साले में बहुत घट्स हैं लगता है कुछ बन के रहेगा खानदान का खूब नाम रोशन कर रहा है तेरा बेटा अपने आप को अकलमंद और मामा को बेवकूफ समझता है सावित्री बहन मैं इसे रोज समझाता हूँ कि आजकल ऐसी नौकरी आसानी से नहीं मिलती मेरे पाँव का पसीना सर से बहने लगा तब कहीं जाकर इसे नौकरी पे लगवाया और यह है कि काम में मन ही नहीं लगाता भैया अभी इसकी उम्र ही क्या है धीरे धीरे सब समझ जाएगा समझ जाएगा कब मैं भी इसी की तरह सेल्समैन था लेकिन मेहनत से लगन से ईमानदारी से काम करता रहा तो आखिर 25 साल बाद सुपरवाइजर हो गया मैं अगर ये भी दिल लगाकर काम करे तो देख लेना एक दिन मेरी ही तरह सुपरवाइजर बन जाएगा देखा बहन मैं ना कहता था एक दिन खानदान का नाम रोशन करेगा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो भैया क्या खाक ठीक कह रहा हूँ मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा सारा ध्यान तो उस मैगजीन में लगा रखा है मामा जी मैं आप ही की मैगजीन पढ़ रहा हूँ मेरी मैगजीन अरे ये तुझे कहाँ मिली आपके तकिए के नीचे मेरे माँ को बता दूँ नहीं बेटे ऐसा गजब मत करना ये क्या चुपके चुपके बातें हो रही हैं कुछ नहीं बहन कुछ नहीं बड़ा समझदार लड़का है कह रहा है जो मामा जी कहेंगे वही करूंगा देख लेना बहन एक दिन जरूर खानदान का नाम रोशन करेगा मामा क्यों बे अपने मामा को इतना क्यों सताता है वो तेरे भले के लिए ही कहते हैं माँ अगर मैं मामा की बात मानूं तो मेरे बाल यूं ही सफेद हो जाएंगे मैं जिंदगी मामा बनकर जीना नहीं चाहता फिर क्या चाहता है मेरे विचार जरा ऊंचे हैं माँ गाड़ी हो बंगला हो जिंदगी में कुछ हंगामा होना चाहिए रहने दे ये सपने क्या पूरे होंगे जरूर पूरे होंगे माँ इसीलिए तो मैं बड़े बड़े आदमियों में बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता रहता हूँ क्या पता वही कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए और मैं कहां से कहां पहुंच जाऊं ये रहा आपका रैली फैन का पंखा हवा ज्यादा और आवाज कम अगली बार अपने रैली फैन का ऑर्डर डबल कर देना अरे वाह इसका मतलब कि अपनी कमीशन भी डबल श्योर मामा को पटा लूंगा पैसा वापस लेने का वेरी गुड चांस ये क्या साजिश चल रही है ये बोर्ड देख रहे हैं आप हाँ एग्जीबिशन है नवाब चंद्रपुर के जेवरातों का हाँ आप बहुत पहुंची चीज है ना यहाँ पहुंच के दिखाइए अरे ये तो ये इनका ख्याल भी अंदर नहीं जा सकता अरे ताव मत दिलाओ मैं तो बात पर चढ़ जाने वाली चीज हूँ समझा अबे जाने दे थोड़ी सी भी हेराफेरी की तो सीधे अंदर कह दे बा मुशक्कत हाँ। लग गई शर्त लग गई लग गई डिनर इसी होटल में मंजूर डन डन आज ये साला बेमौत मरेगा ये रहा आपका एंट्री कार्ड थैंक यू टॉयलेट किस तरफ होगा उस तरफ ये क्या कर रहे हो दरवाजा खोलो मैं कहता हूं दरवाजा खोलो कंप्लेंट कर दूंगा अरे दरवाजा खोलो अरे क्या कर रहे हो दिस वे प्लीज 200 रुपए वो साला डिनर खाएगा और हम दोनों पानी पिएंगे
चीज। 20 करोड़ के जेवरात हैं। 20 करोड़? बिल्कुल। एक एक हार 1 करोड़ का होगा। भाई इनके चिकने चमचमाते सर को देखकर महबूबा इनकी तारीफ में कहती है, कौन कहता है कि महबूब मेरा गंजा है, चांद के सर पे कहीं बाल हुआ करते हैं। भाई चचा गालिब के इस शेर पर हमारे सारे हीरे जवाहरात कुर्बान। इरशाद फरमाते हैं, तेरे तीरे नीम कश को कोई मेरे दिल से पूछे, ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता। क्या बखुदा इस शेर का जवाब नहीं। जवाब है, अर्ज किया है, जो निगाह की थी जालिम तो फिर आंख क्यों चुराई, वही तीर क्यों ना मारा जो जिगर के पार होता। वाह वाह, वही तीर क्यों ना मारा जो जिगर के पार होता। वाह मियां वाह, ये तीर कहां से लाया आप? अब ज्यादा हमें तड़पाइए मत और फौरन अपना तारुफ करवा दीजिए। जहमत तो होगी, उठ के जरा देख लीजिए, आया है कोई अपना पता पूछता हुआ। अल्लाह मियां कुर्बान जाऊं, तीर पे तीर चला रहा है और अपना नाम नहीं बता रहे हो। खाकसार को कमल मल्होत्रा कहते हैं। मियां जब नाम कमल रखा है तो खुशबू तो यकीनन फैलेगी ही। वैसे मशगला क्या है जनाब का? बिजनेसमैन हूँ, दुबई। दुबई? जी हाँ, दुबई में मोतियों की दुकान नहीं, होलसेल मार्केट है। वाह। और लंदन में हीरो का कारोबार। मियां आप तो खुद एक अनमोल हीरा है। कमल मल्होत्रा सर, कामरान हियर सर। जी नवाब साहब के यहाँ से बोल रहा हूँ सर, कमल मल्होत्रा यहाँ आया हुआ है। स्विट्जरलैंड के बैंक मैनेजर्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम अपने करोड़ों का अकाउंट बंद ना करें। क्या है कि उनके बैंक्स अपने पैसों के पहियों पे चलते हैं ना। बेशक बेशक। अब नवाब साहब आप ही बताइए, कोई ऐसी रिक्वेस्ट करे तो इनकार तो नहीं किया जा सकता ना। यकीनन यकीनन। एक्सक्यूज मी, लेकिन ये बात आप किसी को बताइएगा मत। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ की CID बहुत होशियार है। होशियार है? मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? श्योर 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 नवाब साहब। बेशक बेशक बेशक। चलिए। सेठ नरोत्तम जौहरी आपसे मिलना चाहते हैं। नरोत्तम जौहरी? अजी हीरे जवाहरात का बहुत बड़ा बिजनेस है उनका शहर में, बहुत बड़े आदमी है वो, आप नहीं जानते उन्हें? एक बड़ा आदमी दूसरे बड़े आदमी को नहीं जानेगा तो क्या आप जानेंगे? नहीं नहीं, यू आर राइट। वैसे नरोत्तम जौहरी साहब से मैं भी मिलने के लिए बेचैन था, कहां विराजमान है? आइए आइए मैं ले चलता हूं। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो बंगले पे आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नवाब साहब। अजी 10 मिनट का ही तो काम है, मैं खुद ही आपको यहां छोड़ जाऊंगा, आइए। आइए, आप तशरीफ रखिए, मैं सेठ जी को खबर करता हूं। ओके। असली सोने का है। वेलकम वेलकम कमल मल्होत्रा जी, वेलकम। खादिम को नरोत्तम जौहरी कहते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जनाब खुशी तो हमें हुई है आपसे मिलकर, आइए। हाँ तो आपके क्या खातिर कर सकता हूँ मैं? कोनियाक? जी हाँ। कोनियाक, आपके बारे में इतना सुना है, इतना सुना है, लगता है आपको अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। मुझे? जी हाँ। जी जी जी, मुझे कौन नहीं जानता। वैसे क्या जानते हैं आप? आपका दुबई में मोतियों का बहुत बड़ा कारोबार है। जी जी हाँ। लंदन में हीरो का कारोबार है। जी हाँ। स्विस बैंक में बहुत बड़ा अकाउंट है। जी हाँ। और आप CID ऑफिसर? जी हाँ। क्या कहा आपने? CID ऑफिसर? जी हाँ, CID ऑफिसर। बिल्कुल नहीं, मेरा CID से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप वो CID ऑफिसर नहीं हो जिन्होंने कोचिन बैंक रॉबरी का केस अपने हाथ में लिया? जी बिल्कुल नहीं। और वो भी CID एजेंट नहीं हो जिनकी वजह से गोवा की पुलिस ने हमारे चरस के गोदामों पे छापा मारा? हरगिज नहीं साहब, आप जाने पुलिस जाने। हाँ। मैं एक शरीफ आदमी हूँ। हाँ, हाँ। मुझे बदमाशों से क्या लेना। हम दुश्मनों के साथ दुश्मन और दोस्तों के साथ दोस्त बनते हैं, तुम क्या चाहते हो? मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। बड़े अक्लमंद हो। आ, 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 आ,
अरे तुम लोगों को गलत फहमी हो रही है, मैं वो आदमी नहीं हूँ जो तुम लोग समझ रहे हो। मेरी बात तो सुनो। कौन है, क्या है? कुछ बताया इसने? कुछ नहीं सर। जो लोग जल्दी नहीं बताते जरा देर में बता देते हैं। कौन है, कौन बोल रहे? देखिए साहब, अब जरा इन लोगों को समझाइए, जो ये समझ रहे मैं वो नहीं हूँ। एक्टिंग अच्छी कर लेता है पर खुरदार, बच्चों को बड़ों के काम में दखल नहीं देना चाहिए। अभी तो तुम्हारी मूछें भी नहीं फूटी और सीआईडी ऑफिसर बनने चले। सीआईडी ऑफिसर? मैं? क्या बक रहे हैं आप? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब तो तुम हमें अच्छी तरह समझ गए होगे। बोलो, हमारे बारे में क्या जानते हो? देखिए मैं आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। मैं तुम्हें 10 सेकंड की मोहलत देता हूँ, 10 सेकंड में सब कुछ बता दो। 2 सेकंड में सब बोलता हूँ। दरियागंज में रहता हूँ, हाउस नंबर 305, राशन कार्ड नंबर 159090, फोन नंबर 537885, माँ का नाम सावित्री देवी, मामा का नाम वेद खन्ना, पोली एक्सेल कंपनी में सुपरवाइजर है, मैं उन्हीं के वहां काम करता हूँ। आप मेरी कंपनी में फोन करके पूछ लीजिए, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। हर सीआईडी ऑफिसर अपनी हकीकत एक कहानी में छुपा ले रहा है। तुम्हारी एक नकली माँ भी होगी, नकली मामा भी होगा। होगा क्या साहब, है बिल्कुल असली। आपको यकीन नहीं आता तो चलिए मेरे साथ। ओ, कमल साहब, मालूम होता है कि हमने आपको खामखा तकलीफ दी, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। नहीं, आपकी मर्जी। जौरी जी। यस सर। कमल साहब थके हुए लगते हैं, अच्छी तरह से खातिर करके इन्हें आजाद कर दो। अब बात समझ में आई आपके? चलो जल्दी से रस्सी खोल दो। हाँ हाँ खोलता हूँ, पहले मुंह तो खोल। खोल मुंह, मुंह खोल, खोल। जगह ठीक है, फर्स्ट क्लास। भाई साहब मैं दोस्ती हाथ बढ़ा दूंगा। चला जैसे गाड़ी स्पीड पकड़ ले, कूद जाना। ओके जा। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, तेरी दोस्ती मेरा प्यार। अरे भाई साहब मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। अरे ये तो अपना दोस्त नहीं है। रोड पर सब शांत। सॉरी यार सॉरी। हेलो पुलिस, हेलो। Yeah!
भाई साहब, मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। चलो, आप मेरी पूरी बात सुन ही नहीं रहे इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है इंस्पेक्टर साहब। वो मुझसे पूछ रहे थे कि कोचिंग का माल किसने पकड़वाया, गोवा के गोदामों की खबर पुलिस को किसने दी, और मुझे क्या मालूम, ना मैं कभी गोवा गया था ना कोचिंग। ठहरो, कल तुम जहां गए थे हमें वहां ले आ सकते हो? यही है वो कमरा इंस्पेक्टर साहब। क्या मैं आपके कुछ मदद कर सकता हूँ? यही है वो आदमी। क्यों नरोत्तम जोहरी साहब, पहचाना आपको? बिल्कुल नहीं, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ इनको। अच्छा अच्छा, कौन है आप? पुलिस को देखते ही याददाश्त गायब हो गई आपकी। क्या बात है इंस्पेक्टर? इनका कहना है कि कल रात आप इन्हें यहाँ लेकर आए और मारने की कोशिश की। इन्हें मारने की? क्या कह रहे हैं आप? कल तो यहाँ कोई था ही नहीं, मैं खुद दिल्ली में नहीं बम्बे में था, बम्बे में। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। झूठ? आप प्लेन का टिकट खुद ही देख लीजिएगा, आज सुबह आया हूँ, देखिए। नरोत्तम जौहरी, मिस्टर मल्होत्रा। तसल्ली हुई? कोनियक? चलिए मान लिया कि मैं इनसे मिला नहीं, इस हॉल में आया नहीं, तो फिर मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि यहाँ क्या क्या है? क्या क्या है? एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ शराब की बोतलें रखी हुई हैं। इन्हें बोतलें नजर आ रही हैं। जरा इसकी जांच तो कीजिए, सवेरे सवेरे पी तो नहीं रखी? इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, आप तो रोज ही देखते होंगे कि मुजरिम कितना भी अपने आप को बचाने की कोशिश करे, वो कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। कल रात इनका हाथ जख्मी हो गया था, निशान अब तक हुआ। देखिए कहां है निशान। इंस्पेक्टर साहब, इसे किसी पागल खाने में भर्ती कीजिए। नरोत्तम जोहरी, मैं तुम्हें मल्होत्रा छोड़ देता हूं, इसी में अकलमंदी है। चलो। देख लिया तेरे सपूत ने खानदान का क्या नाम रोशन किया है, इसकी करतूत कहां से कहां पहुंच गई है, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, जेल। भगवान न करे भैया, ऐसा न कहो, इत्मीनान से खाने तो दो मेरे बेटे को। हाँ, खिला और खिला अपने दादले को। अरे इसने तो मुझे कच्चा ही खा डाला। प्रोविडेंट फंड की रकम देकर जमानत पर छुड़ा कर लाया हूँ, और अब वकील का खर्चा, कोर्ट का खर्चा, और चक्कर पर चक्कर लगाने पर भी कोई गारंटी नहीं कि छूट ही जाएगा, और नहीं छूटा तो 6 महीने के लिए अंदर। एक बार जेल गया तो समझ लो खानदान के माथे पर हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। हेलो, कमल मल्होत्रा जी बोल रहा हूँ। जिस मुसीबत में तुम फंस गए हो उससे तुम्हें सिर्फ एक ही इंसान निकाल सकता है, असली कमल मल्होत्रा, जो इस वक्त होटल कॉन्टिनेंटल रूम नंबर 229 में मौजूद है। मगर आप ये सब मेरे बारे में कैसे जानते हैं? कौन है आप? होटल कॉन्टिनेंटल रूम नंबर 229। मिस्टर मल्होत्रा, कोई है? कमल मल्होत्रा,
मिस्टर कमल मल्होत्रा, हम अंदर आ सकता है जी? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? कैसे नहीं मालूम होगा जी, ये कमरा आप ही के नाम रजिस्टर है जी। हाँ करेक्ट। तुमने इस कमरे में किसी और को देखा तो नहीं? कैसे देखता जी, बाहर साइन लगा था डू नॉट डिस्टर्ब। अब हम आ गए, सब साफ कर देगा जी। अभी नहीं, तुम बाद में आना। हर काम बाद में, हर काम बाद में। ऐसा होएगा तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा जी? हेलो। अच्छा तो कमल मल्होत्रा साहब आप कमरे में हैं? कौन हो तुम? कितने अफसोस की बात है, आपने हमारी आवाज नहीं पहचानी, मगर हम आपकी आवाज पहचान गए। नरोत्तम जोहरी। चलिए, खादिम को पहचान तो लिया। जनाब, कल आप हमारे मेहमान थे, आज हम आपके मेहमान बनने जा रहे हैं। जोहरी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि मैं वो कमल मल्होत्रा नहीं हूं। जी हाँ जी हाँ, आप वो कमल मल्होत्रा नहीं है। हाँ, ये बात और है कि आप कमल मल्होत्रा के रूम से, कमल मल्होत्रा के फोन से, कमल मल्होत्रा की आवाज में बात कर रहे हैं। भला आप कमल मल्होत्रा कैसे हो सकते हैं? हेलो हेलो हेलो, अभी तो कमरा साफ कर सकता है जी। ये सब क्या करते हैं जी, दरवाजा टूट जाएगा जी। वो बहुत खतरनाक मुजरिम है। हाँ, ये ले चाबी। लगता है कुत्ता नीचे भाग गया है। तुम लिफ्ट से जाओ, तुम सीढ़ी से जाओ। तो मरे, चलो मेरे साथ। Yeah!
क्या पीटता है? अरे पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। पुलिस आखिर ये हो क्या रहा है, हमें बताइए भी तो। कमल मल्होत्रा कहाँ है? कमल मल्होत्रा आज ही वो कहीं भी हो, आपको उससे मतलब? हमारे पास उसकी गिरफ्तारी का वारंट है। क्या किया है मेरे बेटे ने? नरोत्तम जौहरी का खून। नहीं नहीं झूठे, मेरा बेटा खून नहीं कर सकता भैया। कमल खून नहीं कर अरे सकता। वो कुछ भी कर सकता है, खानदान का क्या नाम रोशन किया है उसने। नहीं, नहीं, नहीं। वो नहीं है साहब। अरे खून ही खून करके घर में बैठेगा क्या? आपको बयान देना पड़ेगा। क्या? आप चलिए हमारे साथ। कहाँ? पुलिस स्टेशन। एक मिनट, देख लिया छोटी बहन, अब तेरा सपूत मुझे पुलिस स्टेशन की भी हवा खिला रहा है। चलिए इंस्पेक्टर साहब। माँ। कमल, कमल तू? ये क्या माँ, तू रो रही है? कमल, कमल तू, तू ठीक तो है? ये क्या खून? तू ये सब कुछ सच है? तूने किसी का खून कर दिया? माँ, तुझे भी मुझ पर भरोसा नहीं? ये सब झूठ है, गलत है, इल्जाम है। फिर ये सब क्या? कमल, मुझे सच सच बता, क्या हुआ? माँ, उन बदमाशों ने फिर मुझे मारने की कोशिश की। गलती से उनका एक आदमी मर गया और सारा इल्जाम मेरे सर पे आ गया। अब पुलिस मेरा पीछा कर रही है। अब क्या होगा? सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस गुंडे ने ये खून किया है उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दूं। लेकिन ये तू कैसे करेगा? ये टिकट, वो कल की ट्रेन से बंबई जा रहा है, मैं भी इसी ट्रेन से जाऊंगा और उसे पकड़ लूंगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं। मुझे जाना होगा। लेकिन तू और खतरे में तो न पड़ जाए। अरे माँ, जो अपने मामा जैसी मुसीबत का मुकाबला करता आया हो, वो और किसी मुसीबत से क्या डरेगा? हाँ, मगर कमल। माँ, तू मेरी बिल्कुल चिंता मत कर। कमल, मैं जाती ही चिट्ठी लिखूंगा। हाँ कमल, कमल। चार से बंबई के लिए गाड़ी रवाना होने वाली है। यात्रियों से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण कर लें। ट्रेन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4 इज अबाउट टू लीव फॉर बॉम्बे। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स। मैं समझा था कि आप मेरे दोस्त हैं ना, वो बिल्कुल ऐसी ही जींस पहनता है ना। ओ, अब मेरा पेपर देंगे? जी। ओ। क्या? इसका सिर्फ यही मतलब है कि सफर के साथ साथ बातें भी होती जाएं तो अच्छा है ना। बाय द वे, मेरा नाम अशोक सक्सेना है, आपका? हुँ.
आदमी हो कि जानवर, पंखा उस तरफ करो। ये कसूर मेरा नहीं मैडम, पंखे का है। इसे मैं अपनी तरफ करता हूँ और ये आपकी तरफ चला जाता है। मुझे मालूम है तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो। हाथ हटाओ यू स्काउंडरल। मैं अभी तुम्हें इस कंपार्टमेंट से बाहर निकलवाती हूँ इडियट। तो एक जेंटलमैन है, अगर कोई भी खूनी हमारे सामने आ जाए तो हम उसको फौरन पहचान लेते हैं। Excuse me? मैं आपसे एक बार फिर माफी मांगता हूँ। ये जो पुलिस वाले हैं ना, गुंडे बदमाशों को छोड़कर मुझ जैसे शरीफ आदमी के पीछे पड़ जाते हैं। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मेरे पास टिकट नहीं थी। और हाँ, आपने मुझ पर जो एहसान किया है, कभी जिंदगी ने मौका दिया और आप पे वक्त आया तो काम आ जाऊंगा। ये अशोक सक्सेना बड़े काम की चीज है। इसे देखा है? उधर कहाँ जा रही है? ये क्या हरकत है? ये आदमी कहाँ है? देखिए, ना ही मैं जानती हूँ कि ये कहाँ है और ना ही मैं जानती हूँ कि ये कौन है। I see. तो आप किसी को जाने बगैर रोमांस करने लगती हैं? सच सच बताओ, वो कहाँ है? वो खूनी है और पुलिस को उसकी तलाश है। अच्छा, अब मेरी समझ में आया। मेरी पीठ पर छुरी रखकर वो पोज क्यों बनाया था, ताकि आप उसे देख न सको। ये झांसा किसी और को देना मैम साहब। अरे क्या कह रहे हैं, मैं तो उसकी कंप्लेंट करने के लिए आप ही के पास आ रही थी। आपको जो भी कुछ कंप्लेंट करना है और हमें जो भी कुछ पूछना है पुलिस स्टेशन में पूछेंगे। मास्टर साहब, अगले स्टेशन पर गाड़ी रोक दीजिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा बम्बई में एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है और मैं उसे मिस नहीं कर सकती। सॉरी मैडम, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। मैं सही वक्त पर बम्बई नहीं पहुंची तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरी बात तो सुनिए। ठीक है, बाद में बात करेंगे। राम सिंह, ये क्या? राम सिंह, यस सर। राम सिंह, ये क्या है? साहब बनियान है। अरे गधे के बच्चे, तुम्हारी वर्दी कहाँ पर है? पुलिस हेडक्वार्टर्स टू ऑल यूनिट्स, मिलापुर स्टेशन से एक पुलिस जीप चोरी हो गई है। पीछे एक लड़की लाल कपड़े पहने बैठी है, जहां भी नजर आए फौरन गिरफ्तार कर लो। ये सब क्या है? कौन हो तुम? तुम गाड़ी रोको, मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। बचाओ, बचाओ, कोई है? अरे गाड़ी रोको, कोई है? बचाओ। चिल्लाने से पहले ये मत भूलो कि पुलिस मुझे खून के इल्जाम में तलाश कर रही है, और अगर मैंने एक और खून कर दिया तो मुझे दो बार फांसी नहीं लग सकती। खूनी, कातिल, गुंडे,
दो मिनट में ये हथकड़ी तुम्हारे हाथ में होगी। तुम पुलिस से नहीं बच सकते। पुलिस? अगर मिलिट्री भी आ जाए तो मुझे नहीं रोक सकती। डीएसपी राणा यार, डीएसपी राणा यार। हाईवे क्रॉसिंग पर रोड ब्लॉक लगा दो। चौकी नंबर 11, चौकी नंबर 11। हर रास्ते पर निगरानी रख। सर, पूरे एरिया के ट्रैफिक कंट्रोल को सख्त इंस्ट्रक्शंस पहुंचा दिए गए हैं। मुल्जिम बचकर नहीं जा सकता। हेलो हेडक्वार्टर्स, मैं इंस्पेक्टर सक्सेना बोल रहा हूँ। मेरे साथ मिनिस्टर साहब रतलाम जा रहे हैं। हाईवे नंबर 4 की नाकाबंदी खोल दो। गाड़ी रोको! अरे गाड़ी रोको, ये आखिरी पुलिस वाला नहीं है। बचाओ, बचाओ! अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ठहरे हो क्या? अरे मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ, ये आखिरी पुलिस वाला नहीं है। दिस इज इंस्पेक्टर मेहरा हियर, दिस इज इंस्पेक्टर मेहरा हियर। मुजरिम की जीप हाईवे नंबर 3 की तरफ जा रही है। पुलिस की जीप जहाँ जहाँ हो हाईवे नंबर 3 की तरफ मुड़ जाए। ये क्या हो गया है? पकड़ो, फॉलो करो। ये गलत हो रहा है। मुजरिम हाईवे नंबर 8 की तरफ जा रहा है, उसका पीछा करो। अब वो हाईवे नंबर 5 की तरफ मुड़ गया है। सारी फौज हाईवे नंबर 7 की तरफ आ जाओ जल्दी। ये क्या, हथकड़ी अभी तक तुम्हारे ही हाथ में है? दुश्मनी छोड़ो और दोस्ती कर लो, मैं बड़े काम की चीज हूं। तुम्हें बॉम्बे जाना है ना, तो वहां पहुंचने का एक ही तरीका है, जो ट्रेन छोड़ी थी वही ट्रेन फिर पकड़नी पड़ेगी रतलाम से। तुम क्या? हट जाओ, जाने दो मुझे। अब तो जहां जाएंगे साथ साथ ही जाएंगे। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि ट्रेन में तुमने मेरी जान बचाई, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। क्यों? मुझे एक खूनी की मदद की कोई जरूरत नहीं। ओ, तो ये बात है। आओ। देखो मैडम, पुलिस ने मेरे लिए इनाम 10,000 जरूर रखा है, लेकिन मैंने कोई खून नहीं किया। असली खूनी उसी ट्रेन पर है, और जब तक मैं उसे पकड़ नहीं लेता मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता। तुम जो भी हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती हूँ। एस एस। ओ मैम साहब, मिस एस एस, ये आपका सूटकेस, यहीं छोड़ दूं या रतलाम पहुंचा दूं? ए! करिश्मा
खिंचला रहे हो तुम क्यों गुस्से में इतना, ये तो अभी है मेरा छोटा सा करिश्मा। देखो ना आंखें जब दिखाते हो और पास आते हो आते हो, जाने भी दो यार छोड़ो इनकार। देखो ना जितनी दूर जाते हो और पास आते हो आते हो, जाने भी दो यार। सफर से साथी तुम्हारे हम दो हैं उम्र भर के, मोड़ा नहीं करते मुंह यूं हम सफर से। देखो ना ऐसे छोड़े जाते हो और पास आते हो आते हो, जाने भी दो यार छोड़ो इनकार। देखो ना जितनी दूर जाते हो और पास आते हो आते हो, जाने भी दो यार। बाप रे 50 किलोमीटर, अब इतनी दूर कैसे जाएंगे? ऐसे। ये क्या? लिफ्ट, लिफ्ट ले लेंगे। जैसे कि तुम्हें लिफ्ट मिल जाएगी। अरे ये जादू का अंगूठा है, जब जिसे जहाँ चाहे वही रोक दे। बातें बहुत बनाते हो, जरा गाड़ी रोक के तो दिखाओ। गाड़ी क्या, मैं तो सुपर फास्ट ट्रेन भी रोक दूं। ये देखो फॉर्मूला नंबर 1, अगर मैं इसको यू करूं तो वो मुझे शरीफ आदमी समझकर गाड़ी रोक देगा। वो तो तुम सूरत से ही शरीफ नजर आते हो। थैंक यू। अब पेश है फॉर्मूला नंबर 2, अगर मैं इससे ऐसे करूं जरा सा मुस्कुरा के तो वो मुझे जिंदा दिल समझेगा, और जिंदा दिल आदमी के साथ सफर यूं कटता है यूं। जी हाँ, जब ही मेरा सफर कटता ही नहीं। अब फॉर्मूला नंबर 3, ये जरा लंबा एक्शन है। यूं गाड़ी, अब तुम मेरे अंगूठे को ही देखना। मैं अभी तक अंगूठे की तरफ ही देख रही हूँ। शराब पी हुई थी सालने,
मैं फॉर्मूला नंबर दो ट्राई करता हूँ। जब 100 तक पहुँच जाओ तो मुझे जगा देना। हाँ अरे रोक! ए, नजर नहीं आता क्या? ए, साला, देखते नहीं क्या आदमी जमीन पे लेटा है? बस बस बहुत हो गया बाबा। अंधा हो गया क्या? अब मुझे देखो। तुम्हें? आइए आइए, आप भी अपने अरमान निकाल लीजिए। ये तुम्हारा जादू का अंगूठा है ना, इसे काट के जेब में रख लो, कोई काम का नहीं है। मुझे देखो, मेरे एक इशारे पर ट्रक रुक गई। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो कमाल है तुम्हारे लड़की होने का। ये औरत जाती ऐसी होती है, हर आदमी को दया आ जाती है। रहने दो रहने दो। क्यों रहने दो? तुम पर तरस खाकर मैं भी ट्रेन छोड़ के चला आया था, याद नहीं? जैसे कि भूल सकती हूँ। I'm sorry. भाई साहब जरा संभल के, नाजुक चमड़ी है ना, कहीं हड्डी शड्डी ना टूट जाए। माफ करना बाबूजी, गड्ढा आ गया था, अब रोड एकदम क्लियर है। यहाँ तो कोई बचाने वाला नहीं, वो तो कहीं पड़ा हुआ रास्ते में। वो तो किधर से लिप आ रही है इंद्रा? आना गाड़ी रुको, गाड़ी तो मंजिल पे रुकेगी। गाड़ी रुको। Oh!
बाय। अशोक, 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 सांस भी नहीं चल रही। नब्ज तो तेज हो गई है। अच्छा तो तुम होश में हो? हरगिज नहीं, मैं बिल्कुल बेहोश हूँ। बदमाश, बेशरम, हद करती हो। बेशर्मी मैं कर रहा था। आज नेकी करने का जमाना ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं रहा, अब एक ही जमाना है, प्यार का। देखो देख ही तो रहा हूँ। ओफो, तुम समझते क्यों नहीं, मुझे बहुत जल्दी बंबई पहुंचना है। बंबई, बंबई, बंबई क्यों जाना है? मैं मॉडलिंग का काम करती हूँ और मुझे बंबई में ऐसा मौका मिल रहा है कि मेरी जिंदगी बन जाएगी। और अगर ये मौका मेरे हाथ से निकल गया तो मेरी जिंदगी बिगड़ जाएगी। कैसा मौका? अशोक, प्यार का। आओ, छोड़ो मुझे, मैं प्यार के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, छोड़ो। नहीं तो मैं अभी ले आता हूँ। हुंडे, लफंगे, मैं तुमसे बात तक नहीं करूंगी। मत करो, मगर प्यार तो करोगी ना। मुंह फेर कर यूं चली जवानी, याद आ गया रूठना किसी का। मॉर्निंग कैप्टन। गुड मॉर्निंग, आप मुझे एक राइड दे सकते हैं? क्या बात है, एक बहुत खूबसूरत लड़की है। लड़की? मेरी हेल्प कर दीजिए ना प्लीज। श्योर, श्योर। ये आपके लिए। ओह नो नो नो, नहीं सर, कीप इट, कीप इट, कीप इट माय बॉय, कीप इट। क्या ख्याल है, अब ट्रेन बचकर जा नहीं सकती? बिल्कुल, अब ट्रेन तक पहुंचने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें नहीं, सिर्फ मुझे। क्यों, मुझे नहीं ले जाओगे? क्यों ले जाऊं, तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? आज कल लेन देन का जमाना है मैम साहब, मैंने तुम्हें कुछ दिया है, अब तुम भी मुझे कुछ दो। तुमने मुझे क्या दिया? दिल, और उसके बदले में तुम मुझे मोहब्बत दे दो। तुम दुनिया के आखिरी आदमी होते फिर भी मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अच्छा तो फिर अलविदा, गुड बाय, खुदा हाफिज, चलिए। अरे अशोक, टाटा। अशोक रुक जाओ, रुक जाओ अशोक, अशोक, आई हेट यू, आई हेट यू। Thank you.
जिए जाए हम कहाँ, चांद कोई होगा तुम सा कहाँ, देख डाले सातों
चांद कोई होगा तुम सा कहां प्लीज टिकट एक मिनट के लिए मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। यही तो बात है, अब वो खूनी भी मुझे नहीं पहचानेगा और उसे हम उसे पकड़ लेंगे। हम नहीं, मैं। क्या? मुझे पता नहीं कि मेरे रास्ते में क्या क्या खतरे हैं। तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे हमेशा तुम्हारा ही ख्याल लगा रहेगा। तो फिर हमें अलग होना पड़ेगा। सिर्फ एक दिन की तो बात है, मैं अपना मकसद पूरा कर लूं फिर तो वक्त ही वक्त है। सुना है बैंडस्टैंड बड़ी रोमांटिक जगह है, कल वहीं मिलेंगे 10 बजे। नहीं। क्या? 9 बजे। एक मजे की बात बताऊं, हम इतने करीब आ गए हैं और मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। सोनिया श्रीवास्तव। सोनिया श्रीवास्तव। हेलो 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 हेलो। अरे ये क्या, आपकी वर्दी कहाँ है? दोनों गलत, पहले करामत खां बैठा था। भाई लोग ये मेरा लंच आवर है, तुम 1 घंटे बाद आना है। अरे मेरी बात तो सुनिए, वो मोटरसाइकिल वो आदमी खूनी है, उसका पीछा करना है, मैं आपको डबल दूंगा। खूनी है, पीछा करना है? अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना छोटे, ले पकड़ खिलाते रहे। अब तू देखना मेरी करामत। मंजर है, अरे मैगजीन में पढ़ा था, फिल्मों में देखा था, आज जिंदगी में देख रहे हैं, मजा आ गया। गोभी गोभी क्या गोभी गोभी वो देखो उसने मोटरसाइकिल मोड़ ली। कोई बात नहीं, मैं उसकी गर्दन मोड़ दूंगा।
गया कहाँ? छोटे निकल गया साला। तू गया? अब अपनी जान बचा। कहाँ जा रहा है बे? घर। चल पहुँचा देता हूँ। अरे वहाँ। ये क्या यमराज का वाहन है? अरे तेरे घर छोड़ देता हूँ। नहीं। ये भी भाग गया। I love Ashok. इतनी चिंता क्यों करते हो? वो खूनी एक बार बच गया तुमसे, दोबारा नहीं बच सकता। ये बंबई शहर इंसानों का समंदर है, यहां कौन किसको ढूंढ सकता है? अब ना वो मिलेगा, ना मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं। एक मिनट। हाँ, लोग कहते हैं कि यहां से समुंदर में जितनी दूर सिक्का फेंको उतनी ही जल्दी मुराद पूरी होती है। ये लो। कमजोर लोग इन फजूल बातों को मानते हैं। ओफो, अब तो फलसफा झाड़ने लगे। नुकसान तो नहीं होगा ना? होगा, एक रुपए का। अच्छा बाबा। नहीं नहीं नहीं, आंखें बंद। वो जाके गिरा सीधा पानी में। अच्छा? You are really lucky. अशोक, अब तुम्हें वो खूनी जरूर मिल जाएगा। ये तुम्हारे पास कैसे है? ये कुछ नहीं है। ठहरो सोनिया, बताओ ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने कहा था ना कि मैं बंबई मॉडलिंग के सिलसिले में आ रही हूँ। मैं मॉडल सेलेक्ट हो गई हूँ, यही नवाब साहब के जेवरात की नीलामी के लिए। नीलामी कब? यही 11 तारीख को, 4 दिन के बाद। क्या हो गया तुम्हें? कुछ बोलोगे भी या नहीं? सोनिया, तुम्हारा सिक्का चल गया, मंजिल खुद चलकर मेरे पास आ गई। मगर कैसे? मैं समझी नहीं। यही नीलामी, वो लोग जेवरात के पीछे पड़े हुए हैं। कौन लोग? जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। देखो सोनिया, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। पहले तो ये बता दूं कि मेरा नाम अशोक सक्सेना नहीं, कमल मल्होत्रा है। कमल मल्होत्रा? हाँ, उन्होंने जौहरी का खून किया, इल्जाम मुझ पर लगाया। ये सारी कहानी उस जेवरात के एग्जीबिशन में शुरू हुई थी और मुझे यकीन है कि उसी जेवरात की नीलामी पर खत्म होगी। सोनिया, तुम वाकई मेरे लिए बहुत लकी हो। अब तुम देख लेना, अगर मैंने उन बदमाशों को नहीं पकड़ा तो मेरा नाम कमल मल्होत्रा नहीं। हमारा वफादार कुत्ता हमारे वफादार दोस्तों को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। गुड आफ्टरनून कैप्टन साहब। गुड आफ्टरनून। वैसे तुम्हारा आना तो हमेशा अच्छा लगता है सोनिया, लेकिन हमारा अपॉइंटमेंट तो कल का है, कोई खास बात? कमल मल्होत्रा। क्या मतलब? यही कि मैंने कमल मल्होत्रा को अपने जाल में फंसा लिया है। अच्छा, वो कैसे? जिस ट्रेन से मैं सफर कर रही थी वो भी उसी ट्रेन में आ रहा था। मुझे बहुत जल्द सब कुछ मालूम हो गया और मैंने बहुत जल्द मोहब्बत का जाल बुनना शुरू कर दिया। मोहब्बत औरत का सबसे खूबसूरत जाल। थैंक यू। आगे सर। एक्सक्यूज मी। ओह नो नो, इट्स ओके टोनी। यस बोलो। सर, वो जानता है कि आपकी नजर नवाब साहब के जेवरात पर है और वो वहां पहुंचने वाला है। तो आखिर मछली कांटे तक पहुंच ही गई।
डोनी। सोनिया, अब नवाब साहब हमारे काम आएंगे। परसों हम नवाब साहब को पार्टी दे रहे हैं और उस पार्टी में कमल मल्होत्रा को बुलाना तुम्हारा काम है, ओके? नो प्रॉब्लम। शाह, बेचारा कमल मल्होत्रा आपके जाम से अपना जाम टकराना चाहता था। उसको अपने अंजाम की खबर नहीं। सर, अब तीनों इक्के आपके हाथ में आ गए हैं और चौथा हमारी आस्तीन में है, लुका। उसे खबर कर दो, कमल मल्होत्रा के खून से हमारी पार्टी में रंग आ जाएगा। सोनिया बहुत अच्छी लड़की है माँ, बहुत चाहती है मुझे, उसकी मदद से मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। माँ जी को चिट्ठी लिखी जा रही है, बंदे का भी सलाम लिख देना। मेरे कपड़े मिल गए? नहीं रे, धोबी की दुकान खोल रहा हूँ, इसलिए पास पड़ोसियों के यहाँ से कपड़े जमा कर रहा हूँ। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, तुमको जाना है। और ये हिसाब भी देख लो, 100 रुपए 50 पैसे मालूम है, और इसके 25 रुपए भी जोड़ देना, तुम्हारा कर्जा बढ़ता जा रहा है। खलास, अस्तरा, टाइम। ये सब क्या? अपना तजुर्बा, हथियार जेब में हो तो तुम्हारा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। कमल, तुम जिस पार्टी में जा रहे हो वो खतरों से भरी होगी। लेकिन इतने सारे मेहमानों के बीच में कोई मेरा क्या कर सकता है? तुम्हारा सफाया। अरे एक दो को छोड़कर तुम तो अपने दुश्मनों को पहचानते तक नहीं हो कमल। इसमें पतलून तो है ना? अरे उसके 10 रुपए तो लिखना ही मैं भूल गया, टोटल 135 रुपए 50 पैसे। मेरे दुश्मनों को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेरा नाम। पहले भी वो मेरा नाम सुनकर मुझे उठाकर ले गए थे, लेकिन इस बार इस पार्टी में मैं अपने नाम का जोरदार प्रोपेगेंडा करूंगा। करेक्ट। और देखूंगा कि कौन मेरे नाम से चौंकता है। यस। और जो भी मेरे नाम से चौंकेगा वही मेरा दुश्मन होगा। कमल मल्होत्रा, किलर एट लार्ज, इनाम 10,000। तुम इस पार्टी में नहीं रहोगे कामरा। हाँ? कमल मल्होत्रा को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि इस पार्टी में जितने भी मेहमान हैं वो सब हमारे आदमी हैं। माँ, मैंने तेरी सारी चिंता दूर कर दी, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। लड़की? जिसकी सूरत से ज्यादा खूबसूरत उसका नेचर है, गंगा की तरह पाक, जमुना की तरह पवित्र, कोई बल कोई टेढ़ापन नहीं, भोली भाली सीधी सादी, फूलों की तरह नाजुक और मुलायम। विश्वास और भरोसे का दूसरा नाम एक ही है, सोनिया। कमल, मैं इस सफर में इससे खूबसूरत घटना और क्या हो सकती है कि तेरा हाथ हाथ में आ गया, चिराग राह में जल उठे। कमल, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। Excuse me, मैडम, आपने कहा था पार्टी शुरू हो जाने पर मैं आपको याद दिला दूं। थैंक यू। और वो तुम्हारी जरूरी बात? कुछ नहीं, फिर कभी बताऊंगी। अब पार्टी का वक्त हो गया है। सर, कमल मल्होत्रा सोनिया के रूम में पहुंच गया है, बस आता ही होगा। कहते हैं नाम लेते जो आ जाए बड़ी लंबी उम्र होती है उसकी। यस, आई एम सॉरी, मैं आपको कोई और समझ बैठा था। इट्स ऑल राइट। मिस्टर कमल मल्होत्रा। यस, अभी का नाम है, ये आपका पर्स। पर्स गिरा पड़ा था। थैंक यू मिस्टर राजदान। क्या बात है राजदान साहब,
आपने तो कुछ लिया ही नहीं, और आप भी कुछ लीजिए ना मिस्टर कमल मल्होत्रा। आप हैं हमारे मेजबान कैप्टन एस पी सिंह, सिंह शिपिंग कंपनी के मालिक। हेलो, क्या बात है कमल मल्होत्रा साहब, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। ऐसी कोई खास बात नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा था। ओह, कौन है वो, क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? थैंक यू, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। कैप्टन साहब, नवाब साहब के आने का टाइम हो गया है। टाइम? ओह, खूब याद दिला। तो वो तुम हो कैप्टन एस पी सिंह, सिंह शिपिंग कंपनी के मालिक, एक खूनी, गुनहगार, कातिल। और भी बहुत सी खूबियां हैं हम में, डाका, स्मगलिंग, आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करना। तुम खूनी हो सिंह, सिर्फ इतना ही काफी है तुम्हें फांसी दिलाने के लिए। अब तुम बच नहीं सकते। अरे साहब, कुत्ते का पट्टा जब मालिक के हाथ में होता है तो कुत्ता समझता है कि मालिक का पट्टा कुत्ते के पास है। वैसे पुलिस स्टेशन यहां से सिर्फ 5 मील दूर है। तो फिर मैं इजाजत चाहूंगा, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन मालिक है और कौन कुत्ता। मिस्टर कमल मल्होत्रा, अब तो आप समझ गए होंगे कि मालिक कौन है। ले जाओ इस कुत्ते को यहां से बाहर, चलो। अमा कैप्टन साहब, हुजूर मैंने कहा आधा बरसे। नवाब साहब, आप आइए आइए, वेलकम नवाब साहब। क्या बात है कैप्टन साहब, महफिल का रंग चढ़ा हुआ है और आपका रंग उड़ा हुआ है। नहीं, ये बात नहीं, मैं आपको इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वाह, ये तो वही बात हुई, मुस्कुराते हुए यूं आए वो मैं खाने में, रुक गई सांस छलकते हुए पैमाने में। वाह सुभान अल्लाह, हो ना हो, तुम मेरे दोस्त कमल मल्होत्रा हो। अमा कहां हो यार? हम वहां है जहां से हमको भी खुद हमारी खबर नहीं आती नवाब साहब। अमा कमल साहब कमाल करते हैं, इतनी दूर खड़े हैं, यारों के रूबरू आइए। चीयर्स। नवाब साहब, आप बुलाए और हम ना आए। सुभान अल्लाह, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। कैप्टन साहब, अब महफिल में रंग जमेगा। अरे रंग जमाने के लिए तो हमें बुलाया गया है, क्यों कैप्टन साहब? अल्लाह, इसका मतलब यह है कि आप हजरात एक दूसरे को जानते हैं? अरे मुझसे बेहतर इन्हें कौन जानता है, अगर मैं इन्हें कहीं मिल लूं तो ये मुझे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। और अगर ये मेरी गिरफ्त में आ जाए तो इन्हें मैं उम्र कैद की सजा दिला दूं। नवाब साहब, जस्ट शुरू होने वाला है, आपका और कैप्टन साहब के बैठने का इंतजाम उस तरफ किया गया। और आप कहां बैठेंगे? मेरा तो कुछ ना कुछ इंतजाम कैप्टन साहब ने तो पहले ही किया होगा। भले ही कर रखा हो मियां, लेकिन आप हमारे साथ बैठेंगे। मेजबान की राय पूछना बहुत जरूरी होता है नवाब साहब। अरे भाई, इसमें पूछने पूछने की क्या बात है, मेजबान साहब की तरफ से हम इजाजत दिए देते हैं, क्यों कैप्टन साहब? बेशक, शौक से चलिए, चलिए ना। अगर आप इतना मजबूर कर रहे हैं तो मैं ना कैसे कर सकता हूं। आइए आइए, ओल्ड फ्रेंड्स, चलिए। टोनी, जब तक ये नवाब साहब के साथ है हम कुछ नहीं कर सकते, किसी तरह इन दोनों को अलग करने की कोशिश करो।
कैप्टन साहब, ये कुत्ते का पट्टा पड़ा हुआ मिला, इस पर आप ही का नाम लिखा हुआ है, कैप्टन एस पी सिंह। शब खैर। वाह, मौसम गुलाबी शराबी हो रहा है। शौक फरमाएंगे? शुक्रिया। आप सिगरेट नहीं पीते? मियां कभी छुआ तक नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत शराब का शौक कर लेते हैं। गरीब खाने तशरीफ लाइए, दो दो पैक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर चलता। मगर आज मेरी पुलिस कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग है। पुलिस कमिश्नर? मियां इस कॉम से बच कर रहिए, ना इनकी दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। मिस्टर कमल मल्होत्रा, कमिश्नर साहब ने आपको बुलाया। प्लीज, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। फिर मिलेंगे नवाब साहब। शब्बा खैर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कमिश्नर साहब को कैसे मालूम हुआ कि मैं नवाब साहब के साथ था? कमिश्नर साहब को नहीं, मगर कैप्टन साहब को मालूम था।
एक मिनट की होगी, उसके बाद आराम ही आराम। काट दो। जितने होंगे उतने सब एक साथ वसूल करूंगा। कमाल है, तुम्हें पैसों की पड़ी है, वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, जैसे बीवी शौहर के पीछे पड़ जाती है। खान सामने। अरे पैंतरेबाजी तो अपना खानदानी पेशा है, आजा बच्चों। तो जवाब देना पड़ता है भाई। देखो वो लोग समुंदर की तरफ गए। Kill them, kill them। माफ करना भाई। अबे तू कहां से आ गया? आए अरे खान फंस गए यार, अब क्या करें? करेंगे तुम भगवान का नाम लेके मर जाओ, मैं खुदा का नाम लेके मर जाता हूं। उड़ा दो इन्हें। Goodbye, Mr. Kamal Malhotra.
कमल मल्होत्रा मारा गया और ये शुभ काम किया है हमारे राइट हैंड लुका। मजे की बात तो यह है जेंटलमैन कि पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें यह जताने के लिए कि कमल मल्होत्रा पुलिस अफसर नहीं है उसी के सर पर 10,000 रुपए का इनाम लगा दिया। मैं आपसे पूछता हूं क्या यह पुलिस का फर्ज नहीं बनता कि अब वह इनाम लुका को दें? लेकिन वो नहीं देंगे क्योंकि पुलिस वाले बहुत छोटे दिल के होते हैं। कोई बात नहीं, लुका को इनाम हम देंगे। टोनी, शिकार करने के लिए दो की जरूरत होती है, एक वो जो गोली चलाए और एक वो जो शिकार को घेर कर सामने लाए। सोनिया, सोनिया। यस सर। हम तुम्हें भी इनाम का हकदार समझते हैं। तुम्हारी मदद के बगैर कमल मल्होत्रा की मौत नामुमकिन थी। I'm sorry. जेंटलमैन, नवाब साहब के जेवरात की नीलामी में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। टोनी, ये इंपीरियल होटल, इसी होटल में जेवरात की नीलामी होगी। ये स्टेज है जहां पे सोनिया जेवरात की नुमाइश करने आएगी। सोनिया का बदन हीरे जवाहरात से जगमगा रहा होगा। ये वो जगह है जहां पे खरीदार बैठेंगे और इन लोगों में कुछ हमारे आदमी भी होंगे। ये नवाब साहब के जेवरात हैं और इस साज में हमारे नकली जेवरात होंगे। नकली जेवरात? ये नकली जेवरात हूबहू नवाब साहब के जेवरात की तरह बनाए गए हैं। कोई पहचान नहीं सकेगा ये असली हैं या नकली। और सोनिया डांस करते करते इस खूबसूरती के साथ जेवरात बदल देगी कि किसी को खबर तक नहीं होगी, राइट सोनिया? जी। क्या बात है? कुछ नहीं सर, आंख में कुछ पड़ गया। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल साफ है। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू जेंटलमैन। सोनिया, मुझे टर्फ क्लब में मिलना है 10 बजे। यस सर। हेलो सोनिया, क्या बात है? तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे कोई मुर्दा जिंदा होकर सामने आ गया हो। कमल, तुम ठीक हो? कमल, तुम्हें नहीं मालूम मेरा क्या हाल हो रहा था। मैं कितनी घबराई हुई थी, मुझे डर था कि तुम। रुक क्यों गई? तुमने क्या सोचा था? क्या हो सकता था मुझे? वो मैं तुम पार्टी के बाद नहीं मिले थे ना, तो तुमने ये समझा कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकूंगा। ऐसी बातें मत करो। तुम इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? सोच रहा हूं कि तुम जैसी लड़की कैसे बनती है। कमल, मेरी बात मानो, मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दो, अभी इसी वक्त, मुझे हमेशा के लिए छोड़ दो। सोनिया, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहो तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और हां, हमारे बीच कोई दीवार भी तो नहीं रही। जिसकी मुझे तलाश थी वो बदमाशों का सरदार मुझे मिल चुका है, कैप्टन SP सिंह। कैप्टन? हाँ, वही सिंह शिपिंग कंपनी का मालिक, जिसने हम सबको दावत दी थी और जिसकी आंखों में नवाब साहब के हीरे चमक रहे हैं।
ये तो बड़ी अच्छी खबर है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। एक मजे की बात तो मैं बताना ही भूल गया। जब मैं पार्टी में पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि शिकार खुद शिकारी के पास पहुंच गया है। पार्टी में हर आदमी को मेरा ही इंतजार था। ये तो समझने की बात है कि उनको पता कैसे चला कि मैं वहां आने वाला हूं। क्या तुम बता सकती हो किसने बताया होगा उन्हें? बड़ी बड़ी ताजुब की बात है। खैर, इसमें हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये राज पुलिस खुद मालूम कर ले। हाँ, पुलिस को तो खबर करनी ही है। सोच रहा हूं उन्हें यहीं बुला लूं। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? मुझे इतराज क्यों होगा? हेलो ऑपरेटर, गेट मी द पुलिस स्टेशन प्लीज। कोला पीना छोड़ दिया है मैंने। जो ऑरेंज में मजा है वो कोला में कहा। क्यों? हेलो पुलिस स्टेशन, सकता हूं? सॉरी, मैं बाहर जा रही हूं। कैप्टन साहब से मेरा अपॉइंटमेंट है। मुझे मालूम है। अपॉइंटमेंट 1 घंटे के बाद है। लुका, मैं अपने बेडरूम में किसी अजनबी को जाने नहीं देती। तुम तो कहती थी तुम अपने बेडरूम में किसी अजनबी को आने नहीं देती, लेकिन ये शायद तुम्हारे लिए अजनबी नहीं है। क्यों? I'll kill you!
सोनिया, 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 मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, वापस आके सब समझा दूंगी, मेरा इंतजार करना। सेवन से बोल रहा हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कि सोनिया श्रीवास्तव कहाँ गई हैं? ऑल इंडिया टर्फ क्लब। ऑल इंडिया टर्फ क्लब, थैंक यू। ये चिट्टा घोड़ा 50,000, जिसकी मिसाल आपको सारे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी, ये खारतूम को मात करता है। 50,000, 50,000, बोलिए साहब। 60,000, वेरी गुड, शाबाश, 60,000। जिंदा? चाय के होटल तक पहुंचने में दुनिया बदल जाती है कैप्टन साहब। सोनिया, मिस्टर कमल मल्होत्रा को चाय तो पिलाओ। नहीं कैप्टन साहब, मैं आपकी चाय पी लेता हूं, इसमें शक्कर जरूर होगी। मैं अभी आई। अरे आप कहां जा रही हैं? पहले मुझे अपने कमरे में बिठाकर यहां चली आई, अब यहां से भी जा रही हैं? ये तुम्हारे कमरे में था? आप हैरान क्यों हो रहे हैं? इनके कमरे में तो मर्दों का आना जाना लगा ही रहता है। अब देखिए ना, लुका भी इनके कमरे में था, लेकिन वो बदनसीब था। खुशकिस्मत तो मैं था कि बच निकला, वो बेचारा तो मारा गया। लुका मारा गया? वाह वाह वाह, क्या चाल चली है आपने कैप्टन साहब। लुका को मारकर नरोत्तम जौहरी के खून का सबूत हमेशा के लिए मिटा दिया और एक और खून का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मैं बेवकूफ प्यार के जाल में फंसता गया और आपकी चाल कामयाब हो गई। चाल तो तुम चल रहे हो सीआईडी एजेंट। पहले नरोत्तम जौहरी के बंगले पर मासूम बनने की कोशिश की, फिर खून के इल्जाम का बहाना बनाकर हमारे पीछे पड़ गए, और अब ये साबित करना चाहते हो कि सोनिया ने तुम्हारा भोला भाला दिल तोड़ दिया। बरखुरदार, पुलिस के सारे दाव पेश तो तुमने सीख लिए, लेकिन एक्टिंग की ट्रेनिंग में पीछे रह गए। जी हाँ, एक्टिंग की ट्रेनिंग मैं सोनिया से ले लूंगा। मोहब्बत का नाम लेकर नफरत का जो सबक तुमने मुझे सिखाया है, मैं उसे उम्र भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारे अंदर छिपी हुई एक गंदी गिरी हुई औरत है, जो दिलों से खेलती है, तोड़ती है। अरे तुमसे अच्छी तो एक वैश्या है, कम से कम खुला धंधा तो करती है। Excuse me. तुम लोग वो दरिंदे हो जिनके जुर्मों की जड़ें समाज के कीचड़ में फैली हुई हैं, जिन्हें मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा, अब और सांस नहीं लेने दूंगा। टोनी, रेस का घोड़ा है। 20,000, 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
50,000
कीमत है इसकी। 50,000 मलानी साहब की बोली है 50,000। 50,000 एक, 50,000 दो, 25,000। क्या कहा? 50,000 की बोली साहब तो पहले हो चुकी है। कमाल है, मेरी मर्जी है, मैं 25,000 ही दूंगा। 50,000 घोड़ा नंबर 16, 50,000 एक, 50,000 दो, 15,000, 50,000 तीन, मिस्टर मलानी। इस डड्डू के लिए 50,000। मिस्टर मलानी आप लुट गए, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। देखिए साहबान, अभी आपके आ रहा है 17 नंबर का घोड़ा, उम्र सिर्फ 2 साल, खंडाला स्टड फर्म जाया है। हाँ, खंडाला स्टड तो लगता है किसी पुराने तबेले से आया है। और मुझे लगता है आप किसी पागल खाने से आए हैं। हुजूर, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। ओके ओके ठीक है, मैं बोली लगाता हूँ। 25। थैंक यू। 25,000, 25,000, 30,000, 30,000, 40, 40, 40, आगे बढ़िए साहबान। 50, 50, कोई 60 बोलेगा? 50, कोई 60 बोलेगा? 60 रुपए। आपका मतलब 60,000 ना? अरे हरगिज नहीं साहब, मेरा मतलब 60 रुपए है, और वो भी ज्यादा है। पुलिस को बुलाओ। हेलो पुलिस। हम कहा थे? 50, 50। हाँ, 50,000, 50,000 एक, 1,00,000, 1,00,000, चलिए 1.5 लाख। ओहो, ये बेवकूफ बीच में कहां से आ गया? उफ, आप नाराज मत होइए, 2,00,000। 50,000 एक, 50,000 दो, 50,000 तीन। ये सरासर नाइंसाफी है, इनका पैसा पैसा और मेरा पैसा पत्थर है। चलो यहां से। अरे चल, नहीं तो केस कर दूंगा। बहुत हो चुका, चलो निकलो। अरे बड़ी देर लगा दी आप लोगों ने आने में। मैं चल सीधा चल। अरे इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट, बोली खत्म नहीं हुई। 2,00,000, 2,00,000। अरे घोड़ा मेरा हो गया, 2,00,000। जेंटलमैन, 1 मिनट, टेक योर सीट। कैप्टन साहब, चाय के होंठों तक पहुंचने में दुनिया बदल जाती है। 2,00,000, 2,00,000। अरे 2,00,000, अरे घोड़ा मेरा हो गया, 2,00,000। 2,00,000, 2,00,000। सर, कमल मल्होत्रा। आइए आइए कमल मल्होत्रा साहब, आपका बड़ी बेचैनी से इंतजार हो रहा था। साहब, पुलिस खामखा मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। हम शुरू से जानते हैं कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो। हम ये भी जानते हैं कि नरोत्तम जौहरी और लुका के कत्ल में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। मगर ये सब जानने के बाद मेरा नाम क्यों उछाला जा रहा है? मेरी फोटो क्यों छप रही है? क्यों मुझ पर इनाम लगा हुआ है? क्योंकि तुम एक अजीब राज के ताले की डुप्लीकेट चाबी हो, जो कि इत्तेफाक से हमारे हाथ लग गए हो। मैं समझा नहीं। कमल साहब, जिस तरह जमाने ने बड़ी अजीम हस्तियां पैदा की हैं, उसी तरह क्राइम और जुर्म की दुनिया ने पैदा किया है कैप्टन एसपी सिंह। यह एक खतरनाक और बेरहम मुजरिम है, और इतना अय्यार और मक्कार है कि इसने इंटरनेशनल पुल को भी लाकर रख दिया है। सिंह को पकड़ने के लिए हमने अपना सबसे काबिल सीआईडी ऑफिसर भेजा, मगर सिंह के एक आदमी लुका ने उसका कत्ल कर दिया। उसकी जगह एक दूसरा ऑफिसर मुकर्रर किया गया, लेकिन हमें डर था कि कहीं यह भी उसी तरह खत्म न किया जाए। अब यह हमारी खुशनसीबी समझो या अपनी बदनसीबी, एसपी सिंह को शक हो गया कि तुम ही हमारे सीआईडी ऑफिसर हो। पर उन्होंने यह कैसे सोच लिया कि मैं वही सीआईडी ऑफिसर हूं? यह अजीब इत्तेफाक है कि हमारे सीआईडी ऑफिसर का जो नाम है वही नाम तुम्हारा है, कमल मल्होत्रा। तुम्हें याद है, एक फोन तुम्हें आया था, होटल कॉन्टिनेंटल रूम नंबर 229 में तुम्हें बुलाया गया था। जी, वो फोन मैंने किया था, और उस कमरे में तुम्हें देखकर सिंह को पूरा यकीन हो गया कि तुम ही सीआईडी ऑफिसर कमल मल्होत्रा हो। इस तरह हमारे एजेंट पर जरा भी शक नहीं पड़ा, और वो अपना काम करता रहा। कमाल है, मुझे बीच में घसीटने की क्या जरूरत थी? आप कैप्टन की हर बात जानते हैं फिर भी नहीं पकड़ते, क्यों? सबूत, वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता,
यही उसकी चालाकी का सबूत है। तो क्या आप उसकी चालाकी को अपनी किसी चालाकी से सबूत तक नहीं पहुंचा सकते? बरखुरदार, नवाब साहब से कहकर हमने ही जेवरात की नीलामी का ड्रामा खेला था, क्योंकि हम जानते थे हीरे जवाहरात ही सिंह की कमजोरी है, मगर यह बेहतरीन मौका भी तुम्हारी वजह से हमारे हाथ से निकल जाएगा। मेरी वजह से? हाँ। मैंने क्या किया? सोनिया से तुम्हारा जो प्यार था वो तुमने सिंह के सामने खोल कर रख दिया। तो क्या हुआ? ये मेरा जाती मामला है, इससे सिंह को क्या मतलब? तुम अभी तक नहीं समझे क्या? वही लड़की सोनिया हमारी सीआईडी ऑफिसर है और उसी का असली नाम कमल मल्होत्रा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता। आप सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं या खुद धोखा खा रहे हैं। आपको मालूम नहीं कि उसने मेरे साथ हर मोड़ पर फरेब किया है। वो मुझे नवाब साहब की पार्टी पे ले गई जहां मेरी मौत की तैयारियां थी। वहां से बच निकला तो लुका के खून के इल्जाम में फंसा दिया मुझे वो मक्कार धोखेबाज। उसने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये मेरा ऑर्डर था कि वो तुम्हें पार्टी में ले जाए, क्योंकि मैंने उसे यकीन दिलाया था कि मैं तुम्हें हर खतरे से बचा लूंगा। रही लुका की बात, लुका तुम्हें मारने के लिए उसके कमरे में आया था, मगर उस लड़की ने अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हारी जान बचाने के लिए लुका को मार दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? वो अपने से ज्यादा तुम्हें चाहती है। मगर उसने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? इसलिए कि वो एक सीआईडी ऑफिसर है, एक फर्स्टनास सीआईडी ऑफिसर जो सुन सकती है, देख सकती है, मगर अपनी जबान बंद रखती है। और वो हमारा पहला सीआईडी ऑफिसर कौन था जो लुका के हाथों मारा गया, जानते हो? कमल का सगा भाई विक्रम मल्होत्रा। मैं उसे देखता रहा लेकिन उसका चेहरा नहीं पढ़ सका, मैं उसकी आंखों की जुबान नहीं समझ सका, मैं उसे पहचान नहीं सका। इंस्पेक्टर, जिसने मुझे इतना चाहा, मेरी जान बचाई, मैंने उसी को मौत के पास भेज दिया। बिचारी कमल मल्होत्रा को मोहब्बत के जाल में फंसाते फंसाते खुद फंस गई। नहीं, बता क्या बता उसे, बोल। मैंने कुछ नहीं बताया, मैं तो खुद उसे फंसा कर लाई थी। मैं तो समझ रही थी कि लुका ने उसे मार दिया। अच्छा, इसीलिए अभी तक वो जिंदा है और लुका मारा गया, वो भी तुम्हारे कमरे में। आप लोग समझते क्यों नहीं, ये सब पुलिस की चाल है। Why don't you understand? वो चाहते हैं कि हमारा प्लान बिगड़े, वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे पर शक करें। आओ! तुम क्यों बोल रही हो? आए! तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ इतना सर, अगर कमल मल्होत्रा मुझे अपनी प्रेमिका समझता तो आपके सामने ये कभी जाहिर होने नहीं देता। क्या वो नहीं जानता कि ये राज खुल जाने के बाद खुद उसका प्लान खतरे में पड़ जाता और साथ साथ मेरी जान भी? ब्रोडस, जाओ जांच करो। सोनिया, ब्रूटस ने तुम्हारी वफादारी साबित कर दी है, अब तुम पर शक की कोई गुंजाइश नहीं। थैंक यू सर, मैं अपने फर्ज से कभी गद्दारी नहीं कर सकती।
तुमसे यही उम्मीद थी। हमारे प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं होगी। मंजिल सामने है और सिर्फ एक दिन का फासला है। डोंट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट। यस सर। जेंटलमैन, सबसे ज्यादा समझदार तो हमारा ब्रूटस निकला। सोनिया की गद्दारी का राज तो खोल दिया, लेकिन उसे पता नहीं लगने दिया कि हम उसकी असलियत से वाकिफ हैं। फिर आपने उसे जाने क्यों दिया? उसे खत्म कर देना चाहिए। हमारे प्लान का क्या होगा? ये क्या किया आपने? भाई परेशानी में और भी इत्मीनान से काम लेना चाहिए। आपको जानकर यह हैरत होगी कि अब हमने अपना प्लान बदल दिया है। मौजूदा प्लान में सोनिया की बहुत सख्त जरूरत होगी। काम निकल जाने के बाद हम इस मुल्क से निकल जाएंगे और सोनिया इस दुनिया से। दरवाजा नहीं खुलेगा। नीलामी में जो भी होगा वो सब तुम इस टीवी पर देख सकोगे। ये क्या तमाशा कर रहे हैं आप? मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं उसे? आप समझते नहीं उसकी जान खतरे में है? मैं सब समझता हूं। आप कुछ नहीं समझते। मैं उसका राज खोल चुका हूं। कैप्टन एक पल के लिए भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता। उसका एक एक कदम मौत की तरफ बढ़ता जा रहा है। और तुम क्या सोचते हो, मैं उसे जानबूझकर खतरे में डालूंगा? वो मेरी बहन की तरह है। पुलिस वालों का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। आपको अपने काम से मतलब है। सबसे पहले आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। और वो क्या है? तुम समझते क्यों नहीं? कैप्टन अभी तक उसे नहीं, तुम्हें सीआईडी ऑफिसर कमल मल्होत्रा समझता है। और अगर कैप्टन ने तुम्हें उसके साथ देख लिया तो फिर वो बच नहीं सकेगी और फिर उसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। वो मेरे जीते जी नहीं मर सकती। मैं उसे मिलकर ही रहूंगा। इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते हो। तुम इस वक्त पुलिस की हिरासत में हो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं। उसे कुछ नहीं होगा। उसे कुछ नहीं होगा। मेरे कमल, अशोक, तुम्हारा नाम जो भी लिख दूं वही अच्छा लगता है। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कौन हूं, क्या हूं। जब मैं अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी थी तो ना कोई ख्याल था ना सवाल। जिंदगी से प्यार ही नहीं था, इसलिए मौत का कोई डर नहीं था। लेकिन अब मैं मरना नहीं चाहती, जीना चाहती हूं। अब तो जीने की तमन्ना है, वजह है तुम। अपने मकसद की तलाश में बहुत दूर निकल आई हूं। मंजिल सामने है, फासला कम है, रास्ता मुश्किल है। शायद मैं वापस ना लौट सकूं। मुझे अपनी मौत का गम तो है पर डर नहीं। मेरी जिंदगी अब अधूरी नहीं। तुम्हारे नाम का सिंदूर जो मैंने अपनी मांग में भर लिया है, तुम्हारी कमल सोनिया। मेरे बाद कमल के लिए। इसमें कैप्टन साहब के नकली जेवरात हैं। प्लान के मुताबिक इन्हें तबले में रख दीजिएगा। इंदर भैया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये आप कमल तक पहुंचा दे। Thank you.
मैं पूछता हूँ सोनिया कहाँ है? वो बिल्कुल सेफ है, सोनिया नवाब साहब के साथ है, पुलिस की हिफाजत में है। वो नवाब साहब नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मगर नवाब का कमरा। नवाब साहब ये सब किसने किया? वो आदमी कौन था? वो आवाज नहीं है। कामत अपने सारे आदमी फैला दो, वो आदमी निकल नहीं पाए। यस सर। सिंह का कुत्ता, कुत्ता कुत्ते को ढूंढ लेगा। सोनिया, मौत बहुत भयानक होती है, मगर हम उसे तमाशा बनाकर देखते हैं। एक गोली ना जाने किस खाने में है, एक तरफ गोली और दूसरी तरफ फांसी। मौत बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। अब हमें देखना है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारा कहां तक साथ देती है। अरे वाह, ब्रूटस भी वापस आ गया। हमारा हर पासा सीधा पड़ता जा रहा है, अब हमें कौन रोक सकता है? कैप्टन कमाल, तेरी मौत आ रही है। शाबाश, क्या बात है। अरे तो फिर भी स्टाइल हो गया। अरे कुत्तों, कमीनों, बाजू हटो। अरे हट जाओ वरना बेमौत मारे जाओगे। गोली कमरान, पकड़ो इन्हें, जाने न पाए।
सोनिया श्रीवास्तव अशोक सक्सेना अगर मुझे देर हो जाती और तुम्हें कुछ हो जाता तो अब मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं कुछ नहीं होगा तुम्हें कुछ नहीं होगा अब मुझसे तुम्हें कोई नहीं छीन सकता पकड़ लिया उनको नहीं सर अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला बेवकूफो पता लगाओ ऑटो रिक्शा कहां है अरे भागो जरा काम करो हरामजादो तुम्हारे लिए धीरे चला रहा हूँ तेज भागो आई ये तो सीरियस हो गया साले अरे ऑटो रिक्शा तो खाली है लगता है भाग गया साला यस सर ऑटो रिक्शा खाली है इडियट्स डोरी यस सर ब्रूटस को ले जाओ और तलाश करके उन्हें गोली मार दो पानी की तरह बाप रे अरे खान तुम क्या जम के पड़ी है खुद याद आ गया अरे सब ठीक है ये अपने ही आदमी है ठीक तुम्हारे लिए होगा पड़ी तो मुझे है ना ज्यादा तो नहीं लगी यार की मार करामत के लिए बरकत के बराबर है तो एक और लगा दूं नहीं ज्यादा हो जाएगा वो किसी भी वक्त यहां आ जाएंगे हाँ? सिर्फ 3 गोली रह गए ब्रदर खान हाँ? जल्दी से वो पौधे तोड़ के लाओ ओके कर रहे हैं पानी में छुप जाते हैं और इस नली के सारे सांस लेते हैं अभी तक हमारे नहीं चल चले गया मर्दूद नफाते आना दरूद ब्रूटस
ब्रूटस। कामरान, जेवरात लॉन्च में रख दो और चलने की तैयारी करो। लेकिन सर टोनी, जैसा तुम्हें कहा गया है करो। यस। कैप्टन हियर, कैप्टन हियर, शिप तैयार रखो, हमारे हैं। सर हाँ? सर जेवरात रख दिए। ओके लेट्स गो। चलिए इनके पास? Impossible। ये झूठ बोलकर हमें धोखा दे रहा है। वीरू से कहो कि फॉरेन बोर्ड पर जाए और हमें इतला करे। यस सर। कैप्टन सिंह, तुम्हारे सारे आदमी मारे गए हैं, अब तुम बच के नहीं जा सकते। बोट की तरफ देखो। हेलो। तुम हर तरफ से फंस गए हो कैप्टन, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। We'll be right back.
पिस्तौल भी। वजन बहुत ज्यादा है। गुड बाय कामरान। नो सर। गया है कैप्टन सिंह। कमल मल्होत्रा, तुम मेरे रास्ते का पत्थर बने रहे, मेरे मंसूबों पे पानी फेर दिया, तुमने मुझे तबाह कर दिया, तुमने मुझे तबाह कर दिया। तुम्हें शुरू से गलत फहमी है सिंह। मेरा नाम कमल मल्होत्रा जरूर है, लेकिन सीआईडी ऑफिसर कमल मल्होत्रा ये है उस विक्रम मल्होत्रा की बहन जिसका तुमने खून किया था। कैप्टन सिंह, तुम तो मौत को एक तमाशा बनाकर देखते हो। मेरे हाथ में तुम्हारी ही पिस्तौल है, पता नहीं गोली किस खाने में है। उठाओ अपनी पिस्तौल, अब देखना है तुम्हारी किस्मत कहां तक तुम्हारा साथ देती है। क्यों कैप्टन सिंह, हिम्मत हार गए? कायर। मर गया मर्दूद, नफा दे आधा दरू। मुबारक हो बरखुरदार। अरे नवाब साहब, आप जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। शादी का ये तोहफा हमारी तरफ से। 1,00,000? आज इन्हीं की वजह से तो हम नवाब हैं, वरना जेवरात के साथ साथ हमारा टाइटल भी चला जाता। एक तोहफा गवर्नमेंट की तरफ से भी, कैप्टन पर जो इनाम था। 2,00,000? सावित्री, मैना कैसा सा हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। आखिर भांजा किसका है? मामा, इस पे किसी और का भी हक। अरे खान, कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ यार, तुम्हारी सवारी के साथ। शादी मुबारक हो भाभी। अरे ऐसे नहीं यार, शादी मुबारक हो दोस्त। थैंक यू। दिस वे प्लीज। रिक्शा, तुम? ये क्यों हो रहा है? हाँ।